हेलो पीपल, वेलकम टू कनक स्टाइल्स। और मैं हूँ कनिष्का। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का वीडियो 3 प्रोडक्ट मेकअप लुक वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मैं फुल फेस मेकअप करूँगी 3 प्रोडक्ट्स की हेल्प से। अगर आप मेकअप स्टार्टर हो, मेकअप बिगनर हो, अगर आप टीनेजर हो, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं लैक्मे की 925 cc क्रीम ले रही हूँ। मेरा बेज है शेड, और जैसा आप कोई भी एज अ बेस आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फाउंडेशन हो गया या कुछ भी जो भी आपको सूट करता है। सो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप फिंगर टिप्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप फिंगर टिप्स के साथ जा सकते हैं, आप उससे ब्लेंड कर सकते हैं। और जैसा कि अंडर आई पे भी मैंने इसको अप्लाई कर लिया अच्छे से। सो आई मेकअप के लिए भी मेरा बेस यही होगा। इसको मैं अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप टीनेजर हो तो आपके लिए वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा गाइस। अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, जो भी बेस आप ले रहे हो आपके स्किन में अच्छे से वो सेट हो जाना चाहिए। एंड फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी काजल, और L18 का मैंने काजल ले लिया है। इसको मैं अपनी ब्राउज पे अप्लाई करूँगी। एज यू कैन सी, यहाँ पे पहले मैं शेप दूंगी। बहुत ही लाइट चलाना है, क्योंकि आपको पता है आपका जो काजल है वो ब्राउन नहीं ब्लैक है। सो ब्लैक काजल बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाता है अगर आप रफली उसको लगाएंगे तो। बिल्कुल लाइट हैंड से आपको लगाना है, एक शेप देनी है, उसके बाद फिर इसको स्मज करना है ब्राउ ब्रश की हेल्प से। इसको सेट करना है आपको पूरे अपने आईब्रोज में, नहीं तो वो एक जगह पर कलेक्टेड लगेगा। और आप देख सकते हो दोनों आईब्रोज़ में फ़र्क अभी से दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को फिनिशिंग देने के लिए वही वाली सीसी क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ। वही वाली सीसी क्रीम से मैं फ्लैट टॉप ब्लूमिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी, सो दैट फिनिशिंग लुक इसका बहुत ही प्यारा निकल के आएगा। एंड एज यू कैन सी, कितनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ गई है इससे। अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगी अपनी आईब्रोज़ को। आप दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते हैं। एंड यू कैन सी द डिफरेंस। एंड यहाँ पे मैंने एडीएस की लिपस्टिक ले ली है। सो इसी लिपस्टिक से मैं अपना आई शेडो पहले लगा लूंगी आईज पे, कुछ इस तरीके से रैंडमली मैं इसको लगा रही हूँ। और वाटर लाइन पे भी नॉर्मली हल्का सा मैं इसी का टच, रेड टच ही हम देंगे वाटर लाइन पे भी। और इस तरीके से मैं इसको स्मज कर लूँगी। अगर आप पिंक लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो आप पिंक लिपस्टिक भी ले सकते हैं। अगर आपको ब्रशेस का नॉलेज नहीं है, आपको ब्रशेस देखने हैं फेस के लिए, मेकअप ब्रशेस का क्या नाम क्या यूज़ होता है, आईज के आई मेकअप के लिए क्या नाम क्या ब्रशेस का काम होता है, तो उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मैं आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको और भी मेकअप वीडियोज़ देखने हैं तो मैं आई बटन पर उनका लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं काजल को अपनी वॉटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी, सेम काजल जो कि जिससे हमने अपनी ब्राउ के लिए यूज़ किया था। और इसको मैं एज अ आई लाइनर भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, यू कैन सी। अगर आप नॉर्मली कॉलेज गोइंग हैं तो आप अपने डेली मेकअप में भी इसको, डेली रूटीन मेकअप में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एज अ ब्लश इस लिपस्टिक को यूज़ करूँगी, एज यू कैन सी। और इसको कुछ इस तरीके से हल्का हल्का लगा के फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, स्मज करते हुए पूरे चीक बोन पे। और यहाँ पे मैंने दूसरे चीक्स में भी करके थोड़ा सा नोज़ में भी ब्लश कर लिया है। और फिर मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी लिप्स में। सो गाइज, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी लिपस्टिक, तो उसको लाइट और सेट करने के लिए मैंने पेपर के हेल्प से मैंने इसको अच्छे से रिमूव कर लिया था हाफ। सो ये सेट हो गई थी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। टिल देन स्टे हैप्पी।